चौथा अध्याय। चौथे अध्याय में श्री भगवान ब्रह्म विद्या की प्राचीन परंपरा के बारे में बताते हैं। वे पुनर्जन्म के बारे में और अवतरण का सिद्धांत बताते हैं। जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ जाता है, तब तब भगवान अवतार रूप धारण करते हैं। अच्छे लोगों की रक्षा, दुष्ट लोगों के विनाश और धर्म की फिर से स्थापना के लिए वे युग युग में जन्म लेते रहते हैं। कर्म, अकर्म, विकर्म, निष्काम कर्म, शास्त्र में बताए विभिन्न प्रकार के यज्ञ, ज्ञान से सब पापों का नष्ट होना, इन सब के बारे में बताते हैं। अध्याय। केशव कहते हैं, सुन पार्थ, यह अनश्वर योग मैंने सृष्टि के आरंभ में सूर्यदेव को सिखाया था। सूर्यदेव ने इसे अपने पुत्र और मनुष्यों के पिता मनु को सिखाया और मनु ने इसे राजा इक्ष्वाकु को सिखाया। इस प्रकार इस परंपरागत योग को राज ऋषियों ने एक दूसरे से सीखा। अंत में बहुत समय और कई युग बीत जाने पर लोग इस योग को भूल गए और यह योग पृथ्वी से लुप्त हो गया। वही प्राचीन योग जो सबसे गहरा और श्रेष्ठ रहस्य है, मैंने आज तुझे बताया है, क्योंकि तू मेरा भक्त भी है और सखा भी, और तू इस दिव्य रहस्य को समझ भी सकता है। यह सुनकर अर्जुन दुविधा में पड़ जाता है और केशव से कहता है, लेकिन केशव, सूर्यदेव का जन्म तो तुझसे बहुत पहले हुआ था और तेरा जन्म उसके बहुत बाद, कई युग बाद में हुआ। फिर मैं कैसे समझूं कि यह योग शुरू में वास्तव में तूने ही उसे सिखाया था? श्री भगवान अर्जुन को समझाते हैं, सुन पार्थ, तेरे और मेरे भी इससे पहले बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सब जन्मों को जानता हूं, पर तू नहीं जानता, जबकि मैं अजन्मा हूं और मेरी आत्मा भी अनश्वर है। जबकि मैं सभी प्राणियों का ईश्वर भी हूं, फिर भी मैं अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर अपनी ही योग माया द्वारा अस्तित्व में आता रहता हूं। जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ जाता है, जब जब पाप बढ़ जाता है, तब तब मैं अवतार रूप धारण करता हूं। अच्छे लोगों की रक्षा के लिए, दुष्ट लोगों के विनाश के लिए और धर्म की फिर से स्थापना के लिए मैं समय समय पर युग युग में जन्म लेता रहता हूं। जो व्यक्ति मेरे दिव्य जन्मों और कर्मों को इस प्रकार सच्चे रूप में जान लेता है, वह शरीर छोड़ने के बाद फिर जन्म नहीं लेता, बल्कि वह मेरे पास चला आता है। इच्छा, भय और क्रोध से छूटकर, मुझ में पूरी तरह लीन होकर और मेरी शरण में आकर ज्ञान की तपस्या से पवित्र हुए ऐसे बहुत से लोगों ने मेरी ही स्थिति पा ली है। जो कुछ मैं हूं, वे भी वही बन गए हैं। लोग जिस प्रकार मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार अपनाता हूं। मनुष्य सभी ओर मेरे ही मार्ग पर चलते हैं। जो लोग अपने कर्मों का फल यहीं पृथ्वी पर अपने जीवन काल में ही चाहते हैं, वे देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों के संसार में कर्मों द्वारा उत्पन्न होने वाले फल बहुत जल्दी मिलते हैं। मैंने सत्व, रजस और तमस इन तीन गुणों और कर्म के भेद के अनुसार चार वर्गों की सृष्टि की थी। जबकि मैं कर्म विभाग के अनुसार इस व्यवस्था का सृजन करने वाला हूं, फिर भी तू यह जान ले कि मैं ना तो कोई कर्म करता हूं और न ही मुझमें कोई परिवर्तन होता है, क्योंकि मैं तो अकर्ता और अविनाशी हूं। कर्म मुझे दूषित नहीं करते, कर्म मुझसे लिप्त नहीं होते और न ही किसी भी कर्म के फल के प्रति मेरी कोई इच्छा ही है। जो कोई भी मुझे इस रूप में जान लेता है, वह कर्म करता हुआ भी उस कर्म के बंधन में नहीं बनता। प्राचीन काल में मोक्ष चाहने वाले लोगों ने भी यह सब जानते हुए निष्काम कर्म किया था। इसलिए जैसे प्राचीन काल में लोगों ने निष्काम कर्म किया था, उन्हीं की तरह तू भी
वैसा ही कर। कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, कर्म का त्याग क्या है, इन सब विषयों ने तो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी भ्रम में डाल दिया है। वे भी इसे ठीक तरह से नहीं समझ पाए हैं। मैं तुझे बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तू सब दोषों से मुक्त हो जाएगा। अपना नियत कर्म, शास्त्रों में बताए गए कर्म, यही उचित कर्म है, यही करने योग्य कर्म है। मनुष्य को इन सब को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। वर्जित कर्म क्या है, क्या करना अनुचित है, उसे यह भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। साथ ही अकर्म या कर्म का त्याग क्या है, उसे यह भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। कर्म की गति को, कर्म की गहराइयों को और कर्म की बारीकियों को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि कर्म की प्रकृति बहुत गूढ़ है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म पहचान लेता है, वही योगी है, वही सन्यासी है, और वह अपने सारे कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधन में नहीं बनता और वह दिव्य स्थिति में ही रहता है। जिस मनुष्य के सभी कर्म उस कर्म के फल की इच्छा के संकल्प से मुक्त हो गए हैं, जिसके सभी कर्म ज्ञान की आग में भस्म हो गए हैं, ऐसे मनुष्य को ज्ञानी लोग पंडित कहते हैं। कर्म के फल के प्रति सभी इच्छाओं को त्याग कर सदा तृप्त रहता हुआ, बिना किसी भी कर्म के फल पर निर्भर हुए, वह भले ही सदा कर्म में लगा रहे, फिर भी वह कुछ नहीं कर रहा होता। कोई भी कर्म फल की इच्छा न रखते हुए, अपने चित्त और आत्मा को वश में रखते हुए, सभी प्रकार की संपदाओं, सभी प्रकार के भोग साधनों को पूरी तरह त्याग कर जो केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, उसे कभी कोई दोष नहीं लगता। जो मनुष्य संयोगवश प्राप्त वस्तु से बिना उस वस्तु की कामना किए, उसे प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास किए बिना जो भी प्राप्त हो जाए उसी से संतुष्ट रहता है, जो दुख सुख आदि के सभी द्वंद्वों, सभी दुविधाओं से परे पहुंच चुका है, जो ईर्ष्या से मुक्त है, जो सफलता और विफलता दोनों में समान रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधन में नहीं बनता। जो कर्म को यज्ञ समझकर करता है, जिसका मन मजबूती से ज्ञान में स्थित हो गया है, जो ज्ञान में पक्की तरह टिक गया है, जो मुक्त हो चुका है और जिसकी कर्म के फल के प्रति सभी इच्छाएं और सारे लगाव भी समाप्त हो चुके हैं, ऐसे मनुष्य का कर्म पूरी तरह ब्रह्मलीन हो जाता है। उसके लिए अर्पण करने वाला परमात्मा है, अर्पित की जाने वाली वस्तु भी परमात्मा है। परमात्मा द्वारा वह परमात्मा की ही आग में अर्पित की जाती है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में परमात्मा को देखता है, वह फल स्वरूप, फल के रूप में परमात्मा को ही पाता है। कुछ योगी देवताओं की पूजा के रूप में यज्ञ करते हैं, जबकि कुछ निर्गुण ब्रह्म के ध्यान में लगे रहते हैं। कुछ लोग कान, आंख, नाक आदि समस्त ज्ञान इंद्रियों को, कुछ रूप, गंध, शब्द आदि समस्त विषयों को, कुछ इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को यज्ञ के रूप में अर्पण करते हैं, कुछ अपनी भौतिक संपत्ति को, कुछ अपनी तपस्या को, कुछ अपने योग अभ्यास को यज्ञ के रूप में समर्पित करते हैं, जबकि कुछ जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है और कठोर व्रत धारण किए हैं, वे अपने अध्ययन और ज्ञान को यज्ञ के लिए अर्पण करते हैं। कुछ लोग प्राणायाम में लगे रहते हैं, वे प्राण और अपान के मार्ग को रोककर अपान में प्राण और प्राण में अपान को अर्पण करते हैं, तो कुछ अपने आहार को नियमित करके अपने प्राण रूपी श्वासों में अर्पण करते हैं। ये सब के सब यज्ञ के ज्ञाता हैं।
ये सभी जानते हैं कि यज्ञ क्या है और यज्ञ में जीवन द्वारा उनके सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं, उनके सारे पाप मिट जाते हैं। जो लोग यज्ञ के बाद बचे हुए पवित्र अन्न यज्ञ के पवित्र प्रसाद को खाते हैं वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करते उनके लिए यह संसार ही नहीं है, फिर उन्हें परलोक कैसे मिल सकता है? इस प्रकार शास्त्रों में अनेक प्रकार के यज्ञ बताए हैं, उन सब को तू कर्म से उत्पन्न हुआ समझ। वे सभी ब्रह्म तक पहुंचने के साधन हैं और यह जान लेने के बाद तू मुक्त हो जाएगा, क्योंकि भौतिक पदार्थ बंधन में डालने वाले होते हैं और ज्ञान मुक्ति दिलाने वाला होता है। इसलिए भौतिक पदार्थों द्वारा किए जाने वाले यज्ञों की तुलना में ज्ञान में यज्ञ अधिक अच्छे होते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से अंततः आखिरकार सभी कर्म ज्ञान में ही जाकर समाप्त होते हैं, जिससे मनुष्य को मुक्ति मिलती है। उस ज्ञान को तो उन तत्वज्ञानी लोगों उन गुरुजनों से सीख जिन्होंने सत्य को समझा है, उनके पास जा, पूरी निष्ठा और आदर से तू उनकी सेवा कर, विनम्रता से तू इस ज्ञान को उनसे अच्छी तरह सीख। जब तू इस ज्ञान को प्राप्त कर लेगा और उसे अच्छी तरह समझ भी लेगा तब तू फिर कभी ऐसे भ्रम में नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस ज्ञान द्वारा तू बिना संदेह सारी सत्ता को, सब जीवों को पहले अपने अंदर फिर मेरे अंदर स्थित देखेगा। चाहे तू सबसे बड़ा पापी ही क्यों ना हो, फिर भी तू केवल ज्ञान की नौका द्वारा पापों के बड़े से बड़े समुद्र को भी पार कर जाएगा। जैसे जल उठने पर आग अपने ईंधन को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग भी सभी कर्मों को भस्म कर देती है और मनुष्य को उन कर्मों के बंधनों से भी मुक्त कर देती है। इस पृथ्वी पर ज्ञान जैसी पवित्र वस्तु, ज्ञान जैसा पवित्र तत्व और कोई नहीं है। योग द्वारा सिद्ध हुआ मनुष्य समय आने पर स्वयं अपने अंदर ही इस ज्ञान को पा लेता है। जिस व्यक्ति में श्रद्धा है, जो इस ज्ञान को पाने में तत्पर है और जिसने अपनी सभी इंद्रियों को जीत लिया है, वह ज्ञान को पा लेता है और ज्ञान को पाकर वह परम शांति को भी पा लेता है। लेकिन जो मनुष्य अज्ञानी है, जिसमें श्रद्धा नहीं है और जो अपने संशय स्वभाव के कारण मुझमें दोष ढूंढता रहता है, वो नष्ट होकर रहेगा। ऐसे व्यक्ति के लिए ना तो यह संसार है, ना उसके लिए परलोक है और ना ही उसे सुख मिल सकता है। जिसने योग द्वारा सभी कर्मों को त्याग दिया है, जिसने ज्ञान द्वारा अपने सारे संदेह नष्ट कर दिए हैं, ऐसे व्यक्ति ने अपनी आत्मा पर अधिकार पा लिया है। उसे मैं कर्म बंधन में कभी नहीं बांधता। इसलिए पार्थ, इस अज्ञान से उत्पन्न अपने हृदय में बैठे हुए संदेह को तू ज्ञान की तलवार से काट कर इसे पूरी तरह से नष्ट करके योग में जुट जा और उठ, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। चौथा अध्याय समाप्त। ओम शांति शांति शांति। ओम।